पवित्र चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। तमाम देशवासियों को, सनातन धर्म के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो निश्चित है कि जब जब नवरात्रे आते हैं, श्री अमरनाथ, श्री पवित्र माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधाओं की जो है बौछार होती है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि श्रद्धालुओं को भीड़ से बचाव के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ वहां विश्राम के लिए श्रद्धालुओं के दुर्गा भवन जो है बनाया गया। इसके साथ साथ अब हाल ही के अंदर मैं पढ़ रहा था कि श्राइन बोर्ड की तरफ से वहां श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए वहां पर जो है स्वास्थ्य एटीएम के लगाने की भी जो है योजना है। ये तमाम चीजें सराहनीय कदम है, इसकी हम पुरजोर जो है वो सराहना करते हैं। इसके साथ ही कल पहले नवरात्रे के शुभ अवसर पर यानी 9 अप्रैल से जम्मू से हिमकोटी के लिए यानी सीधा जम्मू से भवन के लिए जो है वो पंछी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हेलीकॉप्टर भी जिनको जरूरत है उनके लिए बहुत जो है स्वागत योग्य कदम है, मगर हमारी मांग है कि इस हेलीपैड को सीमित रखा जाए। देखिए, सुविधाओं की दौड़ में जो धार्मिक यात्राएं हैं उनके स्वरूप को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए। पीछे भी हमने देखा था कि जब जम्मू से रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया गया था तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को लगभग आधा अधूरा कर दिया गया। अब वो कैसे आधा अधूरा कर दिया गया, आपको याद होगा कि माता वैष्णो देवी कथाओं के अनुसार जो है पहला दर्शन कौल कंडोली है, दूसरा देवा माई है। ये कौल कंडोली और देवा माई को सड़क और रेल मार्ग से अलग कर दिया गया है। अब जो हेलीकॉप्टर शुरू किया जा रहा है, हेली सेवा जो शुरू की जा रही है सीधा जम्मू से हिमकोटी तक के लिए, उससे यात्रा स्वरूप और बिगड़ेगा। यानी ना तो भगत जन जो है श्रद्धालु पवित्र बाण गंगा के दर्शन कर पाएंगे, चरण पादुका के दर्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि अर्धकुंवारी के दर्शनों से भी उन्हें जो है वो वंचित रहना पड़ेगा। देखिए, विकास को लेकर हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर धार्मिक आस्था का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा स्वरूप को अगर विकास की आड़ के अंदर, विकास के अंदर जो है उसको बिगाड़ा जाता है तो उसका हम जो है खुलकर विरोध करेंगे। इसके साथ साथ तमाम जम्मू के लोगों को मालूम है कि जम्मू संभाग की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो काफी हद तक श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं पर टिकी हुई है। देखिए, इस सुविधा से क्या हो रहा है कि होटल व्यवसाय बहुत परेशान है, टैक्सी व्यवसाय वाले बहुत परेशान है। इसके साथ साथ जम्मू अर्थव्यवस्था भी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू अर्थव्यवस्था भी जो है इससे प्रभावित होगी। तो आप लोगों के माध्यम से हम श्राइन बोर्ड से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे मांग करते हैं कि इस सुविधा को जो है सीमित रखा जाए। इसके साथ साथ जम्मू पर्यटक विभाग से, श्राइन बोर्ड से हमारी मांग है कि यात्रा के पौराणिक स्वरूप को अभी जो है वो खुलकर प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए और उसकी जो है बहाली को भी जो है जमीनी स्तर पर अंजाम दिया जाए। इसके साथ हमारी मांग है कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी जो है यात्रा पंजीकरण सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। क्या आप इसके लिए किसी से मिले थे? देखिए, आज हमने जो है माननीय उपराज्यपाल जी को एक लिखित निवेदन भेजा है, क्योंकि हमारी मानना है कि माननीय उपराज्यपाल जो कि चेयरमैन भी हैं उनसे समय मांगा गया है। ये चीज़ें जो है समय के साथ, जैसे ही वो हमें समय देते हैं, हम लिखित एक ज्ञापन देकर जो है उनके पास जाएंगे और उनको विस्तार से जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे जो है पौराणिक स्वरूप जो है बिगड़ रहा है। सुविधाओं से हमें कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल सुविधाएं दी जानी चाहिए, मगर उस तरह की सुविधाएं दी जाएं कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, यात्रा का स्वरूप ना बिगड़े और श्रद्धालुओं को जो है वो सुविधाएं भी मुहैया करवाई।